जीवन जल्लोष में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप कश्मीर घूमने जाए और गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम न जाए तो आपकी कश्मीर की ट्रिप अधूरी है। कश्मीर घूमने का असली मजा इन तीन जगह का ही है। इस वीडियो में गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम घूमने की डिटेल्स में जानकारी देने वाला हूँ। पिछले वीडियो में मैंने श्रीनगर घूमने की जानकारी दी थी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक दे रखी है। गुलमर्ग कैसे घूमे? श्रीनगर से गुलमर्ग की दूरी 50 किलोमीटर है। श्रीनगर से गुलमर्ग जाने के लिए प्राइवेट टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान देना होगा, श्रीनगर से गुलमर्ग प्राइवेट टैक्सी से जाए या शेयरिंग टैक्सी से जाए, गुलमर्ग से 10 किलोमीटर पहले टंगमर्ग एक स्थान आता है। टैक्सी सिर्फ टंगमर्ग तक ही जाती है। यहाँ यूनियन की वजह से बाहरी वाहन को गुलमर्ग जाने को अलाउ नहीं करते। आपको टंगमर्ग से टायर को चेन लगी हुई दूसरी टैक्सी से गुलमर्ग पहुँचना पड़ता है। श्रीनगर से गुलमर्ग कैसे पहुँचे? श्रीनगर से बटमालू या मंडी बस स्टैंड से टंगमर्ग जाने के लिए शेयरिंग टैक्सी या प्राइवेट टैक्सी मिल जाती है। शेयरिंग टैक्सी का किराया 100 से 150 रहता है। प्राइवेट टैक्सी का किराया 2000 से 3000 तक रहता है। टंगमर्ग से गुलमर्ग शेयरिंग टैक्सी का किराया 50 से 100 तक रहता है। गुलमर्ग में गंडोला राइड, गंडोला जिसे हम रोपे भी कहते हैं, गंडोला दो फेस में बटा हुआ है। पहला फेस वन गुलमर्ग से कॉन्गडोर जिसका टिकट 750 है और दूसरा फेस टू कुमडोर से अफरात जिसका टिकट 950 है। गंडोला फेस वन कब जाए? अगर फेस वन में बर्फ है तो फेस टू जाने की जरूरत नहीं है। फेस वन में बर्फ का खूब मजा ले सकते हैं। फेस टू कब जाए? अप्रैल, मई, जून और बारिश के माह में फेस वन पर बर्फ नहीं होती है। कश्मीर में अप्रैल, मई, जून में सिर्फ गुलमर्ग में ही फेस टू पर बर्फ मिलेगी, इसलिए अप्रैल, मई, जून में ही फेस टू जाए। गुलमर्ग में स्कैम कैसे होता है? गंडोला के टिकट सिर्फ ऑनलाइन ही मिलते हैं। यह टिकट ब्लैक में भी मिलते हैं, लेकिन उसके वैलिड होने की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए टिकट ऑनलाइन ही बुक करके जाएं। बुकिंग के लिए वेबसाइट www.jammukashmircablecar.com। गुलमर्ग स्नो एक्टिविटीज, गुलमर्ग में स्नो एक्टिविटीज का खूब मजा ले सकते हैं। स्नो एक्टिविटीज के लिए यहाँ के लोग काफी पीछे पड़ जाते हैं। स्नो एक्टिविटीज के पूरे पैकेज का बहुत ज्यादा रेट बताते हैं। आपको पैकेज बिल्कुल भी लेना नहीं है। आपको स्लेज के 300 से 500 के बीच चार्जेस देना है और स्कीइंग के 500 से 1000 के बीच डिस्टेंस देखकर ही चार्जेस देना है। स्नो बाइक शॉर्ट राइड का 15 मिनट का 1000 लेते हैं और लॉन्ग राइड का 25 मिनट का 2000 लेते हैं। स्नो बाइक के फिक्स रेट है। गुलमर्ग में होटल में रूम का किराया बहुत ज्यादा होते हैं। रूम किराया 3000 से स्टार्ट होता है। सोनमर्ग कैसे घूमे? श्रीनगर से सोनमर्ग की दूरी 80 किलोमीटर है। श्रीनगर से सोनमर्ग जाने के लिए शेयरिंग टैक्सी मिल जाती है। शेयरिंग टैक्सी का किराया 600 रहता है। सोनमर्ग घुमाकर वापस श्रीनगर छोड़ देते हैं। श्रीनगर से प्राइवेट टैक्सी का किराया 3500 तक रहता है। सोनमर्ग में होटल 1000 से 1500 तक मिल जाते हैं। सोनमर्ग में कहाँ घूमे? सोनमर्ग में घूमने की दो प्रमुख जगह है, थजीवास ग्लेशियर और जीरो पॉइंट। सोनमर्ग से थजीवास ग्लेशियर की दूरी 4 किलोमीटर है और जीरो पॉइंट की दूरी 24 किलोमीटर है। ज्यादातर लोग थजीवास ग्लेशियर ही जाते हैं। थजीवास ग्लेशियर पैदल या घोड़े से जा सकते हैं। घोड़े वाले 1500 से 2000 किराया बताते हैं। बार्गेनिंग कर 700 तक भी लेकर जाते हैं। सर्दी के दिनों में थजीवास ग्लेशियर पर स्नो एक्टिविटीज कर सकते हैं। स्नो बाइक चार्जेस 1 आवर का 2200 लेते हैं, 30 मिनट का 1200 लेते हैं, 15 मिनट का 600 फिक्स रेट है। स्लेज के 500 से ज्यादा देने नहीं है। जीरो पॉइंट के साथ और दो स्पॉट विजिट कर सकते हैं, जोजिला टॉप और कारगिल वार मेमोरियल। इन जगह पर जाने के लिए आपको टैक्सी किराए पर लेनी पड़ती है। टैक्सी का किराया 3500 लेते हैं। जीरो पॉइंट घूमने में पूरा दिन लग जाता है। पहलगाम कैसे घूमे? श्रीनगर से पहलगाम की दूरी 90 किलोमीटर है। श्रीनगर से पहलगाम बस और टैक्सी से भी जा सकते हैं। बस का किराया 200 लगता है। अगर आपको शेयरिंग टैक्सी से जाना है तो श्रीनगर से पहलगाम के लिए सीधे टैक्सी नहीं मिलेगी। पहले श्रीनगर के
डल लेक गेट से अनंतनाग जाना होगा और अनंतनाग से पहलगाम जाना होगा। श्रीनगर से अनंतनाग शेयरिंग टैक्सी का किराया 120 लगता है और अनंतनाग से पहलगाम का शेयरिंग टैक्सी का किराया 100 लगता है। श्रीनगर से पहलगाम जाने के प्राइवेट टैक्सी वाले किराया 3500 लेते हैं, लेकिन पहलगाम में बाहर की टैक्सी को अलाउ नहीं करते। पहलगाम में लोकल साइट सीइंग के लिए आपको पहलगाम टैक्सी स्टैंड से दूसरी टैक्सी लेनी पड़ती है। पहलगाम में घूमने लायक स्थान पहलगाम वैलीज के लिए फेमस है। यहाँ पर आप बेता वैली, आरो वैली, चंदनवारी, बेसन वैली, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, विजिट कर सकते हैं। पहलगाम में बारिश कभी भी स्टार्ट हो जाती है, इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, यहाँ पर कश्मीर यात्रा की समाप्ति करते हैं। आगे और मिलेंगे नए सफर में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक अवश्य करें, कमेंट जरूर करें। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल बटन दबाना न भूलें।